नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ पूजा और आज मैं मौजूद हूँ गोरखपुर के चिड़ियाघर में। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये गोरखपुर का चिड़ियाघर है जो बिल्कुल बनकर बस कुछ ही दिनों में तैयार हो जाएगा। लोगों की आकर्षण का केंद्र बना हुआ है गोरखपुर का चिड़ियाघर। वैसे तो गोरखपुर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डेवलप होता जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर को लेके कड़ी मेहनत कर रहे हैं, गोरखपुर के विकास के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उसी में से टूरिज्म को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। चाहे मैं रामगढ़ ताल की बात करूं, गोरखनाथ मंदिर की बात करूं या चिड़ियाघर की बात क्यों ना करूं, तो आज मैं चिड़ियाघर में मौजूद हूं और आपको दिखाऊंगी कि इस चिड़ियाघर में क्या कुछ विकास का कार्य पूरा कर लिया गया है, क्या कुछ तैयारियाँ पूरा कर ली गई है, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही है कि ये चिड़ियाघर दिसंबर के महीने में ओपन कर दिया जाएगा आम जनता के लिए। उसको लेके क्या कुछ यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं वो आपको दिखाते हैं। शहीद अशफाक उल तुल्ला खां के नाम पे बनने जा रहा वाला ये चिड़ियाघर का मेन एंट्रेंस गेट है। आप देख सकते हैं इस एंट्रेंस गेट की जो डिजाइन है वो पूरी की पूरी गोरखनाथ मंदिर के थीम के हिसाब से डिजाइन की गई है और कहा यह जा रहा है कि इसका जो मेन गेट है, मेन एंट्रेंस जो है, वो पूरा का पूरा गोरखनाथ मंदिर की तरह ही हूबहू दिखाई देगा। यानी कि आप जब इस चिड़ियाघर में एंट्री लेंगे तो एंट्री लेते ही आपको सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर का एंट्रेंस दिखाई देगा। ऐसे ही इस चिड़ियाघर में एंट्री लेंगे, आपको इतने बड़े स्पेस में ये चिड़ियाघर दिखाई देने वाला है। और सबसे पहले एंट्री की बात करें तो आप ये देखिए, ये एंट्री है, इसका एंट्रेंस जो है वो मेरे राइट साइड में है और उसके लेफ्ट साइड में इसका जो एग्जिट एरिया है वो है। तो लेफ्ट एरिया और राइट एरिया को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि आप यहीं से एंट्री लेंगे और इसी गेट से आप एग्जिट करेंगे। और बीच का जो एरिया आपको दिख रहा है वो 4D थिएटर का एरिया है। यहाँ पे 4D थिएटर बनने जा रहा है। तो अभी तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि किस हिसाब से इसे डिज़ाइन किया जा रहा है, पर मैं आपको बता दूं कि बुद्धिज्म थीम के हिसाब से इसे बनाया जा रहा है और बेहद ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है। लगातार मेहनत चल रही है, जितने भी कारीगर हैं, जितने भी मजदूर हैं, वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। कड़ी धूप है फिर भी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही है कि दिसंबर तक इसे पूरा बनकर तैयार कर लिया जाएगा और टूरिस्ट का तांडा यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगेगा। गोरखपुर में बनने जा रहा है चिड़ियाघर के प्रोजेक्ट मैनेजर DB सिंह इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, काफ़ी जोर शोर से काम चल रहा है और कितना टाइम लगेगा इसे बनकर पूरा तैयार होने में? ये 31 दिसंबर 2019 तक कंप्लीट हो जाएगा। चिड़ियाघर का गोरखपुर प्राणी उद्यान का एरिया 121.34 एकड़ है, जिसमें 51 एकड़ जू है, 34 एकड़ वेटलैंड है, 29 एकड़ फॉरेस्ट है और 7 एकड़ हॉस्पिटल क्वारंटाइन एवं रेजिडेंस है। इसमें 33 इनक्लोजर हैं। इस प्राणी उद्यान का सबसे पहला स्ट्रक्चर ये है, साइनेज बिल्डिंग है। इसमें 1500 केजी की बुद्ध जी की ब्रांज में बनी प्रतिमा इसमें फिक्स की जा रही है, वो भी प्रतिमा आ चुकी है। उसके बाद की बिल्डिंग हमारी ये एंट्रेंस प्लाजा है, ये 3850 वर्ग मीटर में है। इसमें क्लॉक रूम, एमपी थिएटर, असेंबली पॉइंट, 4D थिएटर, चिल्ड्रेन एक्टिविटीज़। इसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, जस्ट बगल में कैफेटेरिया है। यहाँ पे साइनेज बिल्डिंग, एंट्रेंस साइनेज बिल्डिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, कियोस्क और कैफेटेरिया और हॉस्पिटल, ये बुद्धिस्ट थीम पे है। और एंट्रेंस प्लाजा एक गोरखनाथ मंदिर थीम पे है, इसी थीम पे कार्य किया जा रहा है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्पेस में इसे बनाया जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि 120 एकड़ जमीन की तर्ज पर ये गोरखपुर का चिड़ियाघर बनाया जा रहा है और इसी के साथ यहाँ पे 36 एनक्लोजर भी बनाए जाएंगे। चारों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड आगे पीछे चारों तरफ एनक्लोजर होंगे, बीच में खूबसूरत सा गार्डन होगा और इसी के साथ पब्लिक की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं जिससे पब्लिक जो है वो निराश नहीं होंगे। यानी कि यहाँ पर बहुत खूबसूरत मार्केट भी बनाया जाएगा। आप ये जो स्पेस देख रहे हैं मेरे पीछे, ये इसका फ्रंट एरिया है, मैं आपको बैक साइड से दिखा रही हूँ। इसका जो फ्रंट एरिया है वो बहुत ही खूबसूरत बनने जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि ये गोरखपुर है और गोरखपुर में यदि कुछ फेमस है तो वो है गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर। और सबसे खास बात इस चिड़ियाघर की ये है कि मैं आपको अपने पीछे जो दिखा रही हूँ, ये ओपनिंग गेट है, ये ओपनिंग गेट गोरखपुर मंदिर के थीम पर बनाया जा रहा है, जो कि बहुत
ही सुंदर बनकर आएगा। और ऐसा दावा भी किया जा रहा है कि पूर्वांचल और बिहार के एरिया में यदि पर्यटकों को कुछ आकर्षित करेगा ना, तो वो है सिर्फ और सिर्फ ये चिड़ियाघर। जब कभी भी हम जानवरों की बात करते हैं तो फीलिंग्स जो है वो जंगलों से आती है। तो सबसे खास बात जो इस चिड़ियाघर की है वो ये है कि यहाँ पे आपको जंगल जैसा भी एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे पेड़ आपको नजर आएंगे। ये लैंड जो है ये बहुत साल पुरानी लैंड थी और इसे अब इस चिड़ियाघर में इन्वॉल्व किया गया है। और चिड़ियाघर में एक नहीं बल्कि 36 इनक्लोजर बनाए गए हैं। तो आपको मैं दिखाना चाहूंगी, मेरे पीछे जो है वो हिरन का घर है। आप देख सकते हैं किसे अभी बनाया जा रहा है, काम पूरा हो चुका है, खत्म होने के कगार पे है। तो यहाँ से जब भी हिरन को मन करेगा घूमने का, टहलने का, तो आप इसी एरिया में देखेंगे। आपको चलते फिरते घूमते हुए हिरन यहाँ पे आपको इस पार्क में दिखाई देंगे। अभी यहाँ पे काम पूरा नहीं किया गया है, पर उम्मीद यही लगाई जा रही है और कहा भी ये जा रहा है कि इसे बहुत खूबसूरती के साथ डिजाइन किया जाएगा। और ये जो आप पेड़ पौधे देख रहे हैं उसका मजा आप यहाँ पे बैठ के उठा सकते हैं, ठंडी ठंडी हवा का मजा उठा सकते हैं। और साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये स्पेस जहाँ पे पब्लिक के लिए बनाया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे रेस्टोरेंट्स बनाए जाएंगे। आप घूमने फिरने टहलने आते हैं तो यहाँ पे रेस्टोरेंट में बैठ के खाने का मजा ले सकते हैं। बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट यहाँ पे बनाया जाएगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड में टाइगर के साथ साथ लॉयन की भी इंक्लोजर्स बनाए गए हैं। और इसके के साथ एक नहीं बल्कि कई ऐसे पशु पक्षी हैं जो यहाँ पे इस चिड़ियाघर में आने को तैयार है। बस कुछ ही दिनों के बाद इसकी तैयारियां पूरी कर ली जाएगी और कड़ी मेहनत की जा रही है। हर इंक्लोजर के पास लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो देखा आपने कि कितनी कड़ी मेहनत के साथ और कितने बड़े प्रोजेक्ट के साथ इस चिड़ियाघर को बनाया जा रहा है। एक नहीं दो नहीं बल्कि 36 इंक्लोजर के साथ ये चिड़ियाघर बनकर तैयार होगा और सभी की अलग अलग थीम भी बनाई जा रही है। मेन जो ये चिड़ियाघर है वो गोरखनाथ मंदिर के थीम पे डिजाइन किया जा रहा है। साथ ही साथ इसका जो एंट्रेंस है वो हूबहू गोरखनाथ मंदिर की तरह दिखाई देगा। और इसी के साथ इसमें बुद्धिज्म का जो भी थीम है वो भी नजर आएगा आप सभी को। और ये यूपी, पूर्वांचल, बिहार के जितने भी टूरिस्ट है उसका आकर्षण का केंद्र बनने वाला है, क्योंकि यूपी बिहार आसपास से किसी भी एरिया में इतना बड़ा जू आपको नहीं मिलेगा जो इस जू में आपको मिलने जा रहा है। 36 प्रजातियों के साथ साथ 2000 से भी अधिक यहाँ पे कारीगर है जो लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं। और 200 से ज्यादा यहाँ पे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि पशु पक्षी को लाया जाएगा और उसकी देखभाल के लिए भी कड़ी व्यवस्था की गई है। पूरे देश विदेश के साथ यहाँ पे पशु पक्षी को लाया जाएगा और एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के साथ इसकी समाप्ति जो है वो दिसंबर के महीने में हो जाएगी। यानी कि गोरखपुर का ये खूबसूरत सा जू आपको दिसंबर के महीने में खुलता हुआ दिखाई देगा। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं पूजा, गोरखपुर।